वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हिरण्यकश्यपु उस अभिमानी राक्षस की पराजय का दिन है। आज का दिन होली का बुराइयों की पराजय का दिन है और आज का दिन प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक उसकी विजय का दिन है। ये संदेश है होली का। हर पर्व का, हर त्योहार का एक संदेश होता है और इस होली के पर्व में महान संदेश छुपा हुआ है। आज के दिन हम तमाम लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक होते हैं। खुशहाली का प्रतीक है ये दिन, इसलिए इस दिन को पूरे जोश के साथ आप सभी मनाएं। आज का हमारा दैनिक जीवन इतना फास्ट है कि हमें अपने परिवार तक के लिए समय नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, देश और समाज के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिलती। ये फेस्टिवल्स ही हैं जो हमें इनसे अलग हटकर एक तरह से इंसान होने का, परिवार और समाज का सदस्य होने का बोध कराते हैं। हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जब हम एंजॉय कर सकें। दैनिक जो हम मारामारी है, अपने अपने कामों में जिस तरह से लोग व्यस्त हैं, उससे अलग निकलकर हम एंजॉय कर पाते हैं और यही किसी भी फेस्टिवल का महत्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी होली का एक विशेष महत्व है। उन सारी बातों के अलावा जो किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए होली के बारे में सही है, आपके सामने ये साल रिक्तियों का साल है, अवसरों का साल है। आपकी मेहनत का आपको फल मिले, इसका साल सिद्ध होना है। इस साल एक तरह से शुरुआत हो रही है। होली के पर्व में एंजॉय कीजिए, तरोताजा होकर निकलें और फिर भिड़ जाएं उस मिशन की ओर जिधर आपको जाना है। विश्वास रखें, ईमानदारी के साथ किया गया आपका प्रयास कभी विफल नहीं होगा, हमेशा कुछ न कुछ मिलेगा। असफलताएं कुछ देर के लिए होती हैं, मिलेंगी वो एक नया सबक देंगी, सीख देंगी और उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। इस साल आपके पास अनेक अवसर हैं। एक अवसर को एंजॉय करना है, उससे सीखना है। वो अंतिम अवसर नहीं है, पूरी कोशिश करनी है कि उस अवसर में हमें सफलता मिले। लेकिन आपको एक जॉब के लिए प्रयास नहीं करना है, आपके पास चार चार जॉब होनी चाहिए। आपको ऐसी तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन के बाद चूज करना है विच वन इज द बेस्ट, मैं इनमें से किस में जाऊं। इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि इस जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, इन सारे एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं जो आप देने जा रहे हैं, यह आपको सोचना है। और इस साल आपको लगातार ऐसे अवसर मिलेंगे। अपने बेसिक्स को ठीक कीजिए, बेसिक्स को ठीक कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं बनता क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपकी स्पीड नहीं बढ़ती क्योंकि उस पर कमांड नहीं है। कंसेप्ट होने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी होती है। जब आप नए स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज चाहिए और ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मैंने तो तय किया हुआ है, करीब करीब सवा साल हुए मेरे इस चैनल के, इसमें एक लंबा सफ़र तय हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर आने वाले स्टूडेंट्स जो सक्सेस पाए हैं इन सवा सालों में, वो सैकड़ों में नहीं हैं, उनकी गिनती अब हजारों में हो रही है। आने वाले समय में मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ आपकी मदद लगातार करूँगा, ये तय है। इसलिए आप आगे बढ़िए और जब जहां जो जरूरत मुझे महसूस होगी कि मुझे आपको हेल्प इस रूप में करनी चाहिए, मैं जरूर करूंगा।
ओके, तो एक बार फिर आप सबों को होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।